सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसे हो सब? तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है डे थर्ड ब्लॉक का एक नया कंटेंट, एक फ्रेश कंटेंट लेके। और आज थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ यार, क्योंकि आज जो है मेरे दोनों रूममेट्स जो है वो कहीं गए हुए हैं। कहीं क्या गए हुए हैं, कॉलेज गए हुए हैं। एक का पेपर है, एक की एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हुई हैं, और आज सैटरडे है। सैटरडे संडे को मेरी छुट्टी रहती है सुबह, इसलिए आज थोड़ा चुन्ना मुन्ना सा बोर हो रहा हूँ। पर कोई नहीं, कुछ मूड फ्रेश करने के लिए कर लेंगे। और मूड फ्रेश करने के लिए कुछ नहीं करना, अभी जाऊंगा, उठूंगा और हाथ मुंह धुलूंगा, फिर कुछ थोड़ा मोड़ा खा होके फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा और फिर उनका इंतजार करने लगूंगा। फिर जैसे ही वो आएंगे फिर करेंगे साथ में बख्शीश्वरी फुल। ठीक है, तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में, जरा मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस। भाई देखो, अभी बात कर रहा था मैं एक की दोनों रूममेट गए हुए हैं, बोर हो रहा हूँ। ये आ गया, ये आ चुका है हमारा दोस्त। हे दोस्त, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए दोस्त? आज एक्स्ट्रा क्लास थी बस। भाई तुम एनर्जी देख रहे हो आते के साथ ही, लड़के की एनर्जी कितनी बढ़ गई है मेरे अंदर। यही है मजे, यही है फील। ठीक है, जब ही कहता हूँ पॉजिटिव वाइब्स रखो अपने साथ में, साथ में बढ़िया लौंडे रखो, मजे आएंगे, एंजॉय करोगे। समझते नहीं है ये, सोचा है ज्ञान की बातें कर रहा। चलो भाई मैं तो उठ जाऊं, मैं जरा थोड़ा सा मुंह धो लेता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। ठीक है, जब तक के लिए सपोर्ट करते रहो अच्छी तरीके से। ओके गाइस, बाय 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 बाय। सो भाई लोग, टाइम हो चुका है पढ़ने का, और मैं हल्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे हर्ष भाई सोए हुए हैं, और हर्ष भाई को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए नींद में। ठीक है, वरना गुस्सा हो जाता है ये। इधर आप, उनका पढ़ने का टाइम है भाई। ठीक है ना भाई, कुछ भी करो जिंदगी में, एनीथिंग व्हाट यू वांट, पर पढ़ना नहीं छोड़ो। पढ़ के आएगी नौकरी, और नौकरी के बाद तुम्हें पता है आएगी छोकरी। ठीक है, अगर नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, बस बात खत्म। भाई बोर भी हो रहा था थोड़ा सा, और 1.5 महीने बाद मेरे पेपर आने वाले हैं, तो मैंने सोचा पढ़ी रहता है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बोरियत भी दूर हो जाएगी। और शाम को आएंगे चोबे भाई भी हमारे, तो फिर अपने तीनों मिल जाएंगे और तीनों मिलके फिर बकचोदी करेंगे। तो मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। बाय बाय गाइस। भाई आज तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है। देखो, पहले बोर हो रहा था, हर्ष भाई आ गए, अब बोर हो रहा था थोड़ा सा, पढ़ने बैठा था, ये देखो ये आ गए हमारे हीरो। आए हाय, ये जुल्फे यू ना लहराओ। भाई शर्ट के दोस्त ने यार फाड़ दी। अब आ चुके हैं हम तीनों रूममेट एक साथ, अब करेंगे फुल बकचोदी। ठीक है, सो भाई इंजॉयमेंट के लिए रेडी रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे। ये नहीं है कुछ मतलब कि यहाँ से कुछ सोचा जाता है या सोच सोच के हम कंटेंट बना रहे हैं। भाई कभी भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, तो एकदम से कैमरा खुल जाता है मेरा कि अरे मिल गया कंटेंट। ठीक है, तो भाई मैं उसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो पल आएगा जहां मैं कंटेंट दूंगा। ओह क्या, ये देखो ये तैयार हो रहा है। जाना कहाँ है आज, डेट पे जा रहा हूँ गाइस, किसके साथ जा रहे हो डेट पे? अपने साथ सोलो डेट। भाई लग तो स्मार्ट रहे हो सही में। थैंक यू भाई। भाई चोबी भाई, तुम लग तो स्मार्ट रहे थे आज, थैंक यू भाई, थैंक यू सो एक मच। बार और तो दिखा दो। कुछ इंतजार कर रही हैं अच्छा, लोग कौन से लोग आपका। दिखाने गया भाई? अबे दिखाने के, अपने आप को ही तो दिखाओगे, ओके, तुम्हारा स्मार्टनेस पे मरना चाहते हैं लोग। आए और कुछ नहीं डायलॉग नहीं है बस उसके लिए इंटरव्यू में? यस, यही 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 चाहिए। तेरे को कंटेंट की कमी नहीं होने देंगे भाई। देख रहे हो, कंटेंट की कमी नहीं होने भाई देंगे। कंटेंट की कमी नहीं होगी तुम्हारे को, बस तुम लाइक शेयर है सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो भयंकर एकदम। सो भाई चोबी भाई ने कह दिया अब कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। तो अब अगर होती है कभी भी जिंदगी में, वैसे तो होगी नहीं, तो इन्हें मारना है। ठीक है, पकड़ लेना इन्हें, चोबी भाई इनका नाम पकड़ लेना, इन्हें पकड़ लेना, किडनैप कर लेना, चौबे का किडनैप। नाम सब कोई जानता है गाइस, मुझे सब कोई चतुर चौबे बोलते हैं, तो तुम भी चौबे बुलाया करो भयंकर। बाल बढ़ गए हैं, कटवाना है। थैंक बाल मस्त हो रहे हैं आपके। यू भाई, थैंक यू। सो भाइयों, जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। तो जैसे मैंने वो वीडियो बंद की, एकदम से मेरे पास एक मैसेज आता है कि मीटिंग के लिए आज ही आ जाओ। इसका पूरा सिलसिला ये है कि भाई मैं, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा जिसपे मुझे रियल में वर्क करना है,
उसका मैं कम से कम 6-7 महीने से उस पर वर्क कर रहा था, तो आज मुझे पहली बार उस पर मीटिंग मिली है। मैं अब मीटिंग के लिए जाने वाला हूँ और अभी देखो क्या होता है भाई, थोड़ा सा बहुत नर्वस भी हूँ। मीटिंग में रिजेक्शन मिलती है, सिलेक्शन होता है, तो उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बस प्रे करो भाई कि बस मैं हो जाऊँ यार इसमें सेलेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये मेरा रियल में ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे इस पे रियल में वर्क करना है। बहुत मेहनत किया मैंने 6-7 महीने इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में। सो भाई मिलते हैं मीटिंग के बाद, बस प्रे करो यार तुम्हारा भाई सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। ओके गाइस, बाद में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस। ठीक है भाई, हो भाई, खुशी छुपाने से नहीं छुपती, ये तो मैंने सीख लिया भाई। इस रियल में मुझे बहुत खुशी है कि इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल रहा। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था जब शुरुआत में जा रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा और कैसे मैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे पाऊँगा और सामने वाले को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट भाई सब कुछ सही हो गया भगवान की तरफ से, टच वुड, नज़र ना लगे, बट ठीक है। और आज से हम अपनी नई, एक और नई शुरुआत करने वाले हैं। सो भाई गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ी सी और मेहनत बची है मेरी, थोड़ी सी और मेहनत कर लूँगा तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके सामने होगा, बट मैं अभी उसको एकदम से रिलीज नहीं करना चाहता आपके सामने, कभी नहीं हो पाए वो सरप्राइज, ठीक है। खुशी बहुत है भाई, पर ये है कि जल्दी ही आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा, आई होप। सो गाइस, प्लान तो यहाँ पे ऐसे बनते हैं जैसे एकदम से चकनाचूर, और हम निकल चुके हैं रात के नाइट आउट पे, थोड़ा बहुत चुन्ना मुन्ना। और ये हमारे चोबे भाई, एज यूजुअल गाइस, चोबे भाई तुमने उन्होंने बाल खोल रखे हैं, क्या बात भाई। भाई हमारा चल रहा अलग सीन, देखो पढ़ते पढ़ते हो लिए थे हम बोर, ठीक है, और फिर रूम पे बोर हो रहे थे तो हमने सोचा यार कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो हम आ चुके हैं बाहर घूमने, थोड़ा सा नाइट आउट करने, ठीक है गाइच 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 गाइच। भाई कमेंट में मुझे ये बताओ तुम इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमारे ब्लॉग्स को। तो भाइयों अपनी चल रही है मस्ती, हम यार थोड़े से आज गाने सुनने की फील में है, ठीक है, तुम्हें आवाज़ भी आ रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, ये सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं। ये हमारे चोबे भाई और ये हमारे हर्ष भाई, तो आज हम हैं गाने सुनने के मूड में, ठीक है। सो भाई आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म गाइस, और कल मिलता हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग नए फ्रेश कंटेंट के साथ, और जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस, गुड नाइट गाइस, और अपना ख्याल रखो और सपोर्ट करो, ठीक है। गाने की फिल्म हूँ भाई, मैं तो कैसा हूँ, मैं जरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे खुशी के वास्ते।